नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यम न्यूज टीवी में। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भदोही जिले के भदोही शहर में आगमन हुआ। आगमन को लेकर कालीन निर्यातकों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ सभागार में रखा गया था, जहां आनंदीबेन पटेल राज्यपाल पहुंची और सबसे पहले माइक थामा के बाद उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों को बाहर जाने की हिदायत दी। हिदायत देने के बाद ही वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई कि पत्रकारों को बाहर जाने का रास्ता राज्यपाल द्वारा कहा गया है। इसके बाद उन्होंने माइक थामा और बाल श्रम से काम न लेने की कालीन निर्यातकों भी नसीहत दी। उसके बाद उन्होंने अचानक अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए सरोही के जाबिर बाबू अंसारी के कालीन कंपनी में पहुंचकर कालीन की बारीकियों को देखा। उसके पहले उनका कार्यक्रम जो है इंदिरा मिल स्थित दूसरे कालीन निर्यातक के यहाँ रखा, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम में अचानक बदलाव करते हुए भदोही जिले के वरिष्ठ कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी के कालीन कंपनी सरोही में पहुंची, जहां उन्होंने कालीन की बारीकियों को परखा और देखा। देखिए राज्यपाल के भदोही आगमन की पूरी खबर सत्यम न्यूज पर। खबर उत्तर प्रदेश में भदोही जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कालीन नगरी भदोही में आगमन हुआ। आगमन को लेकर अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ एकमा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यह कार्यक्रम बड़ा ही खास रहा। एकमा सभागार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जैसे ही पहुंची और माइक थामते हुए सबसे पहले उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से यह कहा कि यहां मौजूद सभी पत्रकार सभागार से बाहर चले जाएं। जैसे ही उनके मुख से यह शब्द वैसे ही सभागार में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। फिर शुरू हुआ राज्यपाल का संबोधन। उन्होंने कालीन निर्यातकों को नसीहत देते हुए कहा कि चाइल्ड लेबर से काम न ले। कालीन उद्योग पर लगने वाले बाल श्रम के धब्बे से पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल किया गया है। अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ एकमा सभागार में कालीन निर्यातकों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के बाद महामहिम राज्यपाल महोदया अपने कार्यक्रमों में बदलाव करते हुए सीधे सरोही के वरिष्ठ कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी के कालीन कंपनी पहुंची। बताते चले कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम इंदिरा मिल स्थित भिखारीपुर के समीप एक कालीन कंपनी में था। सूत्रों की माने तो एक बड़ी वजह के कारणों के चलते अचानक राज्यपाल के कार्यक्रम में बदलाव हुआ और वह सीधे सरोही स्थित वरिष्ठ कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी के कालीन कंपनी पहुंची, जहां उन्होंने कालीन की बारीकियों को परखा और कालीनों के इतिहास पर चर्चा की। सरोही के वरिष्ठ कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी द्वारा चीन के एक होटल के लिए एक बड़ी कालीन का निर्माण कराया गया था। लगभग एक घंटे राज्यपाल महोदया ने कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी के कालीन कंपनी में कालीन की बारीकियों को बहुत ही करीब से परखा और एक एक बुनकरों व कंपनी में मौजूद कर्मचारियों से बात की। भदोही से सत्यम न्यूज वेब टीवी की रिपोर्ट।